आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के ताबरपुर ब्लॉक के बिसौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में माननीय बीपी मंडल जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बोलते हुए बिमला यादव एडवोकेट ने कहा कि इस बार हम लोग मंडल जी की जयंती शहर से दूर गांव में मना रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि मंडलवादी आंदोलन गांव में भी पहुंचे, गांव के लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, पाखंड आडंबर से दूर और जातिगत जनगणना करवाए जाने के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजेश यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियों में पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने के नाम पर तमाम लोग मंत्री सांसद बने हुए हैं, लेकिन वहां बैठकर जब पिछड़ों के अधिकारों को छीना जा रहा है तो उस पर मौन साधे हुए हैं। समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता ने कहा कि जातिगत जनगणना कराया जाना बहुत जरूरी है, जब तक जाति का जनगणना नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारे समाज का वंचित तबका आज किस स्थिति में है और उसकी जरूरत किस चीज की है। बिना जरूरत जाने उसका फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। आजाद नेता ने कहा कि 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने मधेपुरा से सांसद बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की, इसे ही मंडल आयोग कहा गया है। 1979 को मंडल आयोग ने अपने काम शुरू किए थे। 1980 में मंडल आयोग ने तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को मंडल आयोग की रिपोर्ट सौंपी थी। दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर हर वर्ग का हर जाति का हक है और जिसका जितना हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए। कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए गोपालपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे योगेंद्र यादव जी ने कहा कि यह बहुत अच्छा प्रयास है कि मंडलवादी विचारधारा को गांव में फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमारा पिछड़ा समाज सही मायने में जागरूक हो जाएगा, अपने समाज के योग्य लोगों को अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगा तो सभी का भला हो सकता है। कार्यक्रम का संचालन राहुल यादव ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य हरकेश यादव, सर्वोदय कोचिंग सेंटर के प्रबंधक मनोज यादव, संदीप यादव, कमलेश कुमार, हरेंद्र, पवन वर्मा, दिनेश, जय हिंद मास्टर, कमलेश कुमार, सतीश यादव, एडवोकेट हरेंद्र, हरिनाथ, प्रमोद, टाइगर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। आज बीपी मंडल जी के जयंती के अवसर पर मैं 140 करोड़ भारत के वासियों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ और साथ साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कमेरा समाज को आज मैं आह्वान करूंगा कि बीपी मंडल जी के जयंती के अवसर पर आज संकल्प ले लें कि जितना हिंदुस्तान तेरा है उतना ही हिंदुस्तान मेरा है। यह हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। यह हिंदुस्तान में बसने वाले सारे वो जितना दलितों का है उतना पिछड़ों का है, उतना मुसलमानों का है, उतना जो है ठेला चलाने वाले मजदूरों का है। यह हिंदुस्तान किसी की बाप की पपौती नहीं है। आज हम सब लोग मिलकर जो है जयंती के अवसर पर संकल्प लिए हैं कि गांव गांव प्रत्येक गांव में जाएंगे हम लोग, जो है ललई यादव जी की, बाबू सिंह जो है जगदेव प्रसाद जी की और जो है ज्योतिबा फूले जी की, फातिमा शेख जी की, उस्मान साहब की, ये सारे लोगों की बात को हम लोग गांव गांव तक, जन जन तक बताएंगे। जैसे हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं उसी तरह मंडल साहब की भी जयंती गांव गांव में मनाएंगे, क्योंकि आज मंडल नहीं होता तो आज ये कलम हमारे पास नहीं होती। तो जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।